Yeah, very good evening students. On behalf of Sebastian Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. And I hope students, you and your family members are good at your homes. Students, today's chapter's name is The Thief's Story. This is your second chapter of your book, Footprint Without Feet, that is a supplementary book for class 10th English. The writer's name is Ruskin Bond. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landon, Missouri, India. The Indian Council for Children Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. Ruskin Bond एक भारतीय लेखक थे ब्रिटिश मूल के. वह अपने adopted family के साथ लैंडोर में मसूरी इंडिया में रहते थे. उन्हें इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने बच्चों के लिटरेचर के लिए पहचाना, यानी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखने के लिए वो जाने जाते थे. लेट स्टार्ट द चैप्टर. आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल. आई रिफर्स टू द नरेटर. एक्चुअली द स्टोरी इज अबाउट टू पर्सन्स. फर्स्ट इज द थीप, सेकेंड इज Anil. Anil is a writer of 25 and the thief whose name is Hari Singh, as he has illustrated his name here, he is of 15 years and he is a thief. Let us start the chapter. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was experienced and fairly successful hand. I was still a thief when I met Anil. यहाँ पे जो आई है वो नरेटर की तरफ शो कर रहा है और नरेटर एक थीफ है. तो मैं अभी तक एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला. And though only 15, I was experienced and fairly successful hand. और अभी मैं 15 साल का ही था. दो मतलब होता है यद्यपि अभी मैं 15 साल का था, फिर भी मैं एक सफल हाथ था, यानी अपने काम में मैं एक अनुभवी और सक्सेसफुल आदमी रहा हूँ. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, यानी एक कुश्ती देख रहा था जब मैं उसके पास पहुँचा. अप्रोच मीन्स होता है पहुँचना. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो. वो 25 साल का एक लंबा पतला दुबला आदमी था. And he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. और वो बहुत ही easy going, मतलब वो बहुत ही आसान स्वभाव का दिखाई दे रहा था, दयालु और साधारण दिखाई दे रहा था मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए. यानी मेरा जो purpose था उसको complete करने के लिए वो ठीक था. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence. I had not had much luck of late. यानी इतना देर हो गया था, मेरे भाग्य ने अभी तक मेरा साथ नहीं दिया था. And thought, और मैंने विचार किया, I might be able to get into young man's confidence. और मैंने सोचा कि मैं इस नौजवान आदमी के विश्वास को जल्द ही जीत लूँगा. You look a bit of wrestler yourself, I said. मैंने उससे कहा कि तुम भी थोड़े बहुत रेसलर ही दिखाई दे रहे हो. A little flatly helps in making friends. यानी थोड़ी बहुत चापलूसी करने से मैं आसानी से दोस्त बना लिया करता था. So do you, he replied. उसने उत्तर दिया, तुम भी दिखते हो. So do you, मतलब तुम भी इसी तरह दिखते हो. Which put me off for a moment, जिसने मुझे दुखी कर दिया. ऑफ मतलब होता है यहाँ पे दुखी करना. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि मैं उस समय उससे भी ज़्यादा पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, अच्छा मैंने सहजता से कहा. मॉडेस्टली मतलब होता है सिंपली. मैंने सहजता से कहा, आई डू रेसल अ बिट. मैंने कहा मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. What is your name, Hari Singh? I lied. अनिल ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? मैंने उत्तर दिया, हरी सिंह. मैंने झूठ बोला.
आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम धारण कर लेता था, यानी मैं हर महीने नाम चेंज करता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिससे मैं पुलिस से बचा रहता था और अपने पिछले मालिकों से। एम्प्लॉयर्स मतलब जो लोग मुझे काम पर रखते थे उन्हें एम्प्लॉयर कहते हैं, यानी मालिकों से, जिसको हिंदी में नियोक्ता कहते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वेयर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस परिचय के बाद अनिल ने अच्छे से तेल लगाए हुए रेसलर्स के बारे में बात करना शुरू किया, जो लोग ग्रंटिंग, जो लोग आवाज़ें निकाल रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे एंड थ्रोइंग ईच अदर, और एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डोंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, मेरे पास कहने को ज़्यादा कुछ नहीं था और अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं साधारण रूप से उसका पीछा करने लगा। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपना सबसे अच्छा स्माइल दिया, यानी मैं उसकी तरफ कुछ आशा भरी दृष्टि से स्माइल किया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैं एक मिनट तक सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने इस आदमी को मिसजज कर लिया, यानी गलत समझ लिया। आई आस्क्ड, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो कैन यू कुक, आई कैन कुक, क्या तुम पका सकते हो? मैं पका सकता हूँ, यानी अनिल पूछा क्या तुम पका सकते हो, तो मैंने उत्तर दिया मैं पका सकता हूँ। सबसे पहले मैंने पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो, तो अनिल ने पूछा क्या तुम पका सकते हो, तो मैंने कहा पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोला, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम पका सकते हो यानी खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टूक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, वह मुझे जमुना स्वीट के ऊपर वाले रूम में ले गया, यानी जमुना स्वीट शॉप के ऊपर वाले रूम में ले गया और मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, उस रात को मैंने जो खाना बनाया वो बहुत ही भयानक था, यानी बहुत ही बेस्वाद वाला खाना था, क्योंकि अनिल ने इसे आवारा पशुओं को दे दिया, स्ट्रे डॉग मतलब आवारा कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि तुम चले जाओ, यानी मेरी छुट्टी कर दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं आसपास बना रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपने मोस्ट अपीलिंग वे में मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह नहीं हंस सका। लेटर ही पैटेड मी, फिर उसने मेरी पीठ थपथपाई, ऑन द हेड, मेरे सिर को उसने सब थपथपाया एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड यू टीच मी टू कुक, ठीक है कोई बात नहीं मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही आल्सो टाट मी टू राइट माय नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, आई वाज ग्रेटफुल। उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया और कहा कि वह शीघ्र ही मुझे पूरे पूरे सेंटेंसेस और नंबर्स के जोड़ भी सिखाएगा, आई वाज ग्रेटफुल। मैं उसके इस काम के लिए बहुत ही ग्रेटफुल था, यानी बहुत ही आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मैं जानता था कि यदि मैं एक एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना जान जाऊँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इट वॉज़ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही मज़ेदार था।
आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। मैं सुबह में चाय बनाता था और फिर मैं दिन के आपूर्ति के लिए चीज़ें खरीदने मार्केट जाता था, और यूजुअली यानी सामान्य रूप से मैं रोज़ 1 रुपया बचा लेता था, यानी 1 रुपये का लाभ कमाता था, मीन्स मैं 1 रुपये चुरा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे। मेरा विचार था कि अनिल इस बारे में जानता था कि मैं थोड़े बहुत पैसे बचा लेता हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि वह इस पर ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फीट्स एंड स्टार्स। अनिल लिख कर पैसे कमाता था। ही वुड बारो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। वह पहले सप्ताह में उधार लेता था और अगले में वापस कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। वह अपने अगले चेक के लिए हमेशा चिंतित रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जैसे ही उसे चेक मिल जाता था तो वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था कि वह मैगजीन्स के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, यानी एक बहुत ही अच्छा काम अपनी जीविका चलाने के लिए। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर, टू अ पब्लिशर। एक शाम को वह एक छोटे से नोट के बंडल्स के साथ आया और मुझसे कहा कि उसने पब्लिशर को एक किताब बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उस रात को मैंने देखा कि उसने मैट्रेस के नीचे पैसे धीरे से रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं लगभग 1 महीने से अरविंद के यहाँ काम कर रहा था, अरविंद के यहाँ काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, यानी दुकान पर चीटिंग करने के सिवाय, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैंने अपने काम के हिसाब से कोई दूसरा काम नहीं किया, यानी मैंने चोरी नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ये काम करने के लिए बहुत ही अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दिया था और मैं जब भी इच्छा करता आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वह सबसे विश्वासप्रद आदमी था जिससे मैं अभी अभी मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसी कारण से उसको लूटना कठिन था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक लालची आदमी को लूटना अच्छा होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह लूटे जाने को सह सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस आदमी को लूटना कठिन होता है। समटाइम्स ही डज नॉट हैव इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक लापरवाह आदमी अपने आप को लूटे जाने के प्रति बेफिक्र रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसे लूटा जा रहा है, और इस तरह से उसे लूटने में कोई मज़ा भी नहीं आता है। वेल, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अच्छा, अब ये समय है कि मैं अपना कुछ वास्तविक काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी मेरा अभ्यास छूट रहा है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो वह पैसे अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और यहाँ तक कि वह मुझे कोई पेमेंट भी नहीं देता है। अनिल वाज असलीप, अनिल गहरी नींद में सोया था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। एक चंद्रमा की किरण बालकनी पर पड़ रही थी और उसके बेड पर जा रही थी। आई सैट
अप ऑन द फ्लोर, मैं ज़मीन पर बैठ गया, कंसिडरिंग द सिचुएशन, और हालात को समझने लगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यदि मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की ट्रेन लखनऊ के लिए पकड़ सकता हूँ, यानी रात वाली ट्रेन। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, यानी अपने ब्लैंकेट से धीरे से निकल कर, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड के पास रेंग कर गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बहुत ही साफ था और उसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, और मेरे चेहरे पर ढेर सारे घाव के निशान थे। माई हैड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ मैट्रेस के अंदर डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को खोजने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उसे पा लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने बिना आवाज़ किए उन नोटों का बंडल बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल नींद में ही आहें भरने लगा। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और एक तरफ घूमा, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं बहुत भयभीत हो गया और जल्दी से रूम से रेंग कर बाहर निकल गया। क्रॉल माने होता है रेंगना। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगन टू रन, जब मैं रोड पर पहुंचा तो मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, मैंने पैसा अपने कमर पे बांधा था अपने पजामा की डोरी से। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं थोड़ा धीमा चलने लगा और नोट्स को काउंट किया। 600 रुपीज़ इन 50, ये 600 रुपये थे 50-50 के नोटों में। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं एक या दो सप्ताह तक अमीर अरब लोगों की तरह रह सकता था जो तेल का कारोबार करते थे। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं गया। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था। But dashed straight to the platform. लेकिन मैं उछल कर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। The Lucknow Express was just moving out. लखनऊ एक्सप्रेस जाने ही वाली थी। The train had still to pick up speed. I should have been able to jump into one of the carriages. ट्रेन स्पीड पकड़ने वाली थी और मुझे एक डिब्बे में जंप लगाकर बैठ जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैंने संकोच किया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, किस कारण से मैं ये समझा नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने जाने का अवसर खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चल जा चुकी थी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैं उस खाली प्लेटफॉर्म अपने आप को खड़ा हुआ अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ गुजारूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मेरा भरोसा था कि सहायता करने से ज़्यादा दोस्त लोग कष्ट देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं स्टेशन के पास एक छोटे से होटल में रुकने को लेकर किसी को जिज्ञासु नहीं बना सकता था। यानी मेरे होटल में रुकने से कुछ लोग सोचने लगेंगे कि ये होटल में क्यों रुका है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, केवल वो आदमी जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था और वास्तव में जानता था, वह था वही आदमी जिसको मैंने आज लूटा था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे जाने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, एक चोर के रूप में अपने छोटे से जीवन काल में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स,
मैंने लोगों के चेहरे को ध्यान से देखा था जब वो अपना सामान खो देते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची लोग डर महसूस करते थे। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर लोग क्रोध शो करते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब लोग बेचारे स्वीकार कर लेते थे। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं अनिल का चेहरा जानता था जब वो उसे चोरी का पता लगता। वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसे केवल दुख ही होता। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, यानी पैसे खो जाने से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन विश्वास के खो जाने से। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन, मैंने अपने आप को खाली पाया और बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवम्बर, यह नवम्बर की सुबह थी, यह नवम्बर का शुरुआत था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और रोशनी भी मेरे आराम को डिस्टर्ब कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, और शीघ्र ही बहुत तेज पानी बरसने लगा। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पजामा मेरे स्किन से चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा चलने लगी और रेन मेरे फेस पर आने लगा। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं फिर बाजार गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ इट ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं घड़ी वाले टावर के नीचे शरण लेकर बैठ गया। शेल्टर मतलब होता है शरण लेना। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में रात के 12 बजे थे। आई फेल्ड फॉर द नोट्स, मैं उन नोट्स को लेकर महसूस कर रहा था। दे वेयर डैम्प फ्रॉम द रेन, जो कि बारिश से भींग गए थे। अनिल्स मनी, जो अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा, वह सुबह में सामान्यतया मुझे 2 या 3 रुपये देता सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये पूरा का पूरा पैसा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसके लिए भोजन नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था, मैं उसके लिए बाजार नहीं जा सकता था, और न ही मैं पूरे सेंटेंसेज अब सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के उत्साह में मैं ये सब सारी चीज़ें भूल गया। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियस्ट टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। मैं जल्दी जल्दी अपने आप को नर्वस महसूस करता हुआ उसके कमरे में वापस गया। मैं नर्वस इसलिए था क्योंकि चोरी करना आसान होता है, लेकिन दोबारा उन पैसों को बिना पकड़े जाने रख देना कठिन होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर मैं दरवाजे के आड़ में खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और अंधेरे मूनलाइट में अनिल वाज स्टिल असलीप, अनिल अभी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंग कर उसके बेड के हेड की तरफ पहुँचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने नोट अपने हाथ से बाहर निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं अपने हाथों पर उसकी सांस महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट तक शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने मैट्रेस का कोना पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैं नोट के साथ इसे अंदर डाल दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगली सुबह थोड़ा देर में उठा और जबकि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया।
देयर वॉज 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, यानी उसकी अंगुलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया डर की वजह से। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी चोरी शायद पकड़ी गई है। आई मेट सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया कि मैंने कल कुछ पैसे प्राप्त किया है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रोज़ कुछ पैसे दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी भावनाएं उमड़ गई। बट वेन आई टूक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को पकड़ा आई सॉ वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, तो मैंने देखा कि अभी भी रात के बारिश से भीगी हुई थी। टुडे वी सेल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन न तो उसके होठ और न ही उसकी आंखें कुछ भी प्रकट की। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ अपने मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल किया, यानी मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इट्सेल्फ, और मेरी मुस्कान इस बार स्वयं आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। दस स्टूडेंट्स, यू हैव सीन द चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। इट वॉज द स्टोरी ऑफ अ थीप हु वॉज वंस अ थीप, बट बाई अ गुड कंपेनियन ही वॉज रिफॉर्म्ड, ही वॉज चेंज्ड, एंड नाउ ही बिकम अ रॉयल पर्सन, अ ट्रू पर्सन। वंस ही स्टोल द मनी, बट आफ्टर थिंकिंग समथिंग ही रिटर्न द मनी बैक। दस वी कैन से ही हैज चेंज हिज लाइफ, एंड इट्स क्रेडिट गोज टू अनिल ओनली। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने देखा, इस चैप्टर की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। एक समय एक चोर जो चोरी करता था, उसका मन बदल जाता है और वो चुराए हुए पैसे वापस वहीं रख देता है जहां से उसने चुराया था। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर केयरफुली एंड लर्न ऑल द हार्ड वर्ड मीनिंग्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।